गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मोनू कुमार, योर सोशल साइंस टीचर। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एट योर होम। सो लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर ऑफ हिस्ट्री, एंड टुडे वी कंटिन्यू द टॉपिक कास्ट सिस्टम इन ओके द टॉपिक इज कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑब्जर्व दिस पिरामिड। There are five types of caste, but there is a divergence in the last caste, Shudras and Dalits. I will tell you why. Okay, first of all, जैसे कि आप अभी के time पर observe करते हैं कि काफी सारी different types की caste होती हैं, sub caste होती हैं और काफी सारी caste होती हैं। लेकिन पहले ancient time के अंदर India में सिर्फ mainly five caste हुआ करती हैं। So first of all, first caste कौन सी थी? जो थी Brahmins, जिसके अंदर priest आते थे। ओके, प्रिस्ट कौन थे बेटा? जो पंडित और पुजारी वगैरह होते हैं मंदिरों के, उन्हें प्रिस्ट कहा जाता है। तो पहले ये माना जाता था, लोगों का स्टेरोटाइप था, स्टेरोटाइप मतलब अंधविश्वास कह सकते हैं, कि जो ब्राह्मण होते हैं या फिर जो पंडित होते हैं, जो भगवान की पूजा और अर्चना करते हैं, वो भगवान से कनेक्टेड होते हैं, तो उनकी जो दुआएं होती हैं या फिर उनकी जो बातें होती हैं वो भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए उनको काफी ज्यादा सुपीरियर माना जाता था, क्योंकि उन्हें शास्त्रों का काफी ज्यादा ज्ञान होता था, इसलिए भी। ओके, फिर उसके बाद आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होते थे? वॉरियर एंड किंग्स, जैसे कि सेनापति होते थे, किंग्स होते थे, जो वॉरियर जितने भी होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। सेनापति और किंग के अलावा कोई नहीं होता था। जो सैनिक होते हैं या फिर जो सोल्जर होते हैं वो क्षत्रिय में नहीं आते थे। ओके, वो वैश्या या शूद्रास के अंदर से लोगों को लिया जाता था, रिक्रूट किया जाता था आर्मी के अंदर। लेकिन जो मेन किंग होते थे या फिर जो सेनापति वगैरह होते थे, जो उनके कमांडर होते थे, वो क्षत्रिय के अंदर आया करते थे, क्योंकि ये ब्राह्मण से नीचे थे। ओके, उसके बाद उनसे भी नीचे आते थे वैश्या। वैश्या कौन थे? जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, जो ट्रेडिंग करते थे कंट्री टू कंट्री, विलेज टू विलेज, जो शॉप चलाते थे, बिजनेस चलाते थे, किसी भी तरह का वर्क करते थे, जो किसी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर आता है उन्हें वैश्या कहते थे। ये क्षत्रिय के नीचे आते थे। और उनके नीचे आते थे शूद्रास। शूद्रास में कौन थे? सर्वेंट सबॉर्डिनेट टू वैश्या एंड क्षत्रिय एंड ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या के जो सबॉर्डिनेट्स होते थे, उनके नीचे काम करने वाले, उनके सर्वेंट, उनके नौकर, उनके दास। दास कहने का मतलब उनके जो पर्सनल सर्वेंट होते हैं, वो सब किसमें आते थे? शूद्रास के अंदर आते थे। और शूद्रास कम्युनिटी एक तरह से इन लोगों के लिए काम करने के लिए ही बनाई गई थी। इनके नीचे काम करने के लिए, इनके नौकर बनकर रहने के लिए ये शूद्रास कम्युनिटी बनाई गई थी, जो इनके लिए काम कर सके। ओके, और सबसे लास्ट में आते थे द दलित्स, अनटचेबल जिनको हम कहते थे, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। तो ये यहाँ से डाइवर्जन इसलिए है क्योंकि इन चार कास्ट के अलावा जो पांचवी कास्ट थी द दलित, ये पिरामिड के अंदर नहीं आती थी। ये इन्हें कास्ट मानते ही नहीं थे, इन्हें ये कास्ट का दर्जा नहीं दिया गया था कि ये कोई कास्ट है। इन्हें एक अनटचेबल कम्युनिटी कहते थे, कास्ट नहीं कहते थे। इसीलिए इस पिरामिड से ये अलग है, इसे कास्ट नहीं कहा गया था उस टाइम पे। हम आज कास्ट कहते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये एज ए कास्ट एडेड नहीं थी। तो अनटचेबल कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, जिन्हें छुआ नहीं जाता था, क्योंकि ये इन सब के सबॉर्डिनेट्स तो थे, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्यास के, शूद्रास के, लेकिन ये अनटचेबल इसलिए थे क्योंकि इनसे सारे जो भी अनहाइजीनिक काम होते हैं वो करवाए जाते थे। जैसे कि जो सीवेज लाइन्स होती हैं, नालियां साफ करवाना, या फिर जो सीवेज कैनाल होते हैं, या फिर जो गटर होते हैं वो साफ करवाना, टॉयलेट साफ करवाना, तो ऐसे जो काम होते हैं, जो अनहाइजीनिक काम हुआ करते थे, वो सारे इस कम्युनिटी से करवाए जाते थे। इसीलिए इस कम्युनिटी को अनटचेबल कहा जाता था, क्योंकि ये ऐसे काम किया करते थे। ओके, यहाँ देखिए, अब बात आती है जेम्स रैनल की। जेम्स रैनल कौन थे? देखिए, he was born on December 1742 in England and died on March 29, 1830. तो जेम्स रैनल एक ज्योग्राफर थे। ओके, यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा, he was the leading British geographer of his time. He constructed the first nearly accurate map of India. तो बेटा एक्चुअल में ज्योग्राफर कौन होते हैं? जो किसी कंट्री या किसी जगह की ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं और उनके बारे में ही लिखते हैं। ज्योग्राफी की स्टडी करने का मतलब, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स के बारे में, कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी जगह है, उन जगहों के नाम, तो उसकी स्टडी करने को ज्योग्राफर जो होते हैं वो उनकी स्टडी करते हैं। तो ये उनके लीडिंग ज्योग्राफर थे, जिन्होंने इंडिया का काफी नियरली एक्यूरेट मैप बनाया था उस टाइम पे, 1742
1742 के बाद जब ये पैदा हुए थे तो इन्होंने अपनी स्टडी की और उसके बाद इसी अपने लाइफ स्पैन के बीच में इन्होंने इंडिया का मैप बनाया था। He joined East India Company and become a surveyor general of Bengal. सर्वे जनरल ऑफ बंगाल 1764 में इन्हें बनाया गया, 1777 तक ये रहे थे। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा, ये है जेम्स रैनन, ये उनकी फोटो है। फिर बात आती है ब्रिटानिया। ओके, ब्रिटानिया ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्चुअल में जो बेटा ये नाम ब्रिटानिया है, जो आप बिस्किट खाते हैं या फिर आपने जो कंपनी का नाम सुना होगा, ये वो नहीं है। ब्रिटानिया किसे कहा गया था कि पहले के एंशंट टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लोगो दिया जाता था, एक लोगो क्या था कि एक लेडी होती थी जिसके हाथ में एक स्पियर होता था, भाला, और एक सॉर्ड, सॉरी, एक शील्ड होती थी। शील्ड मतलब ढाल जो होती है, उसके हाथ में एक भाला होता था, स्पियर, और एक शील्ड होती थी, ढाल। उसको जो लेडी थी उसे सिंबल माना जाता था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंबल माना जाता था। जैसे कि हम इंडिया के अंदर जो हमारी भारत माता जिसको कहते हैं, वो भी एक वुमेन है, वो एक सिंबल किसका है, किस चीज का सिंबल है, वो इंडिया का सिंबल है, वो लेडी जो है। तो वैसे ही जो ब्रिटानिया जो लेडी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सिंबल थी। देखिए, इंग्लिश कंपनी फॉर्म फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथर्न एशिया एंड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल कैरेक्टर ऑन डिसम्बर 31, 1600। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने दिसंबर 31, 1600 के अंदर साउथर्न एशिया और इंडिया के अंदर जो उनका जो ट्रेडिंग होता था उस टाइम पर, उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन मतलब गड़बड़ करना शुरू कर दिया था। उन्होंने धीरे धीरे अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस को चलाना, टैक्स अपने हिसाब से लगाना छोटे लेवल पर, बंगाल के अंदर सबसे पहले शुरू हुआ था, तो वहीं पे उन्होंने साउथर्न एशिया के अंदर जो बाकी कंट्रीज थी, जैसे चाइना भी थी, वहां पर भी वो क्या करते थे अपना ट्रेडिंग, और इंडिया थी, तो वहां पर उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि लोगों को ठगना शुरू कर दिया था 1600 के आसपास। स्टार्टेड एज अ मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग बॉडी। मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग बॉडी का मतलब होता है कि वो सिर्फ अपने आप ही बेचने लग गए थे, तो उनके अलावा वो चीज किसी और के पास नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि वो समझते थे कि उन्हीं के पास है, तो वो अपने हिसाब से किसी भी रेट पर उस चीज को बेचेंगे और अपनी कंडीशंस पर बेचेंगे। मान लीजिए उनके पास कोई प्रोडक्ट है, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अमीरों को बेचेंगे, गरीब भी अगर उसको ले सकता है तो उसे नहीं लेने दिया जाएगा। तो ये रूल क्या हुआ? मोनोपोलिस्टिक। उन्होंने कहा कि ये 100 रुपए की चीज है, हम इसे 1000 में बेचेंगे, तो वो 1000 में बेच रहे हैं क्योंकि उनके अलावा वही प्रोडक्ट बेचने वाला और कोई नहीं है। तो उन्होंने अपना जो ये रूल लगाया, ये क्या कहलाएगा? मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग, मतलब कि अपने हिसाब से और अपने फायदे के लिए चीजों को बेचना, और किसी और को अगर वो चीज बेचना चाहता है या फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे भी वो शुरू नहीं करने देना। तो ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग कहलाता है। द कंपनी बिकम इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड एक्ट एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी टू द मिड 19th सेंचुरी। उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कभी ब्रिटिशर्स की एजेंट नहीं थी। आप समझना मत कि पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के लिए काम किया करती थी, वो पहले सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती थी। वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह थी, जैसे आप जियो जो रतन टाटा जी की कंपनी है समझेंगे, या फिर जो अंबानी की कंपनी है, वो जैसे कंपनी थी वैसे ही ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी। उसके बाद वो ब्रिटिशर्स की एजेंट बन गई, कब? मिड 19th सेंचुरी के अंदर, 18 से लेकर 19th सेंचुरी के अंदर। द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी इन चाइना इन 19th सेंचुरी ऑल्सो सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस देयर। चाइना के अंदर 19th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ कि चाइना के अंदर भी ब्रिटिश कंपनी जो थी उन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया, अपने आप को बढ़ाना शुरू किया, वहां की कंपनियों को बंद करके अपनी कंपनी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ये देखिए, आप ये पिक्चर नोटिस करेंगे कि ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल है ये सब इंडियंस है, जो इसके चारों तरफ है, ये इंडिया के किंग्स है, ये इंडियन पीपल्स है, और एक तरह की परेड चल रही है, मतलब एक तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो हमने उनका काफी अच्छे से उनको ट्रीट किया, उनका स्वागत किया, उन्हें हमारी कंट्री में आने दिया ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए, यहाँ पर रहने के लिए। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी राइडिंग इन एन इंडियन प्रोसेशन। प्रोसेशन क्या होता है? कोई सेलिब्रेशन को कहते हैं, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन होता है उसे प्रोसेशन कहते हैं।
तो वहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, काफी अच्छे से ट्रीट किया जाता था, लेकिन उन्होंने बदले में हमें क्या दिया, एक्सप्लॉयटेशन दिया, हमें लूटा और हम लोगों को ही अपना गुलाम बनाया। ओके, आगे देखिए, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिस्ट्री। ओके, यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा। अर्लियर हिस्ट्री वॉज एसोसिएटेड विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। दिस वॉज बिकॉज हिस्ट्री यूज टू कैप अ ट्रैक ट्रैक ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट। ठीक है, अर्लियर हिस्ट्री जो थी, पहले के टाइम की हिस्ट्री और डेट्स जो थी वो इसलिए इम्पोर्टेंट रखती थी, या फिर इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि वो बताती थी कि उन ट्रैक्स के बारे में, ट्रैक्स मतलब कि वो बैटल लड़ने का रीजन क्या था, क्यों वो बैटल शुरू हुई, उसमें किस तरीके से बैटल की गई, कितने लोग मारे गए, वो बैटल कहाँ पर हुई, किन दो राजाओं के बीच में या फिर किन दो राज्यों के बीच में हुई, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े इवेंट की, जो कोई बड़ा राजा था जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हुआ तो वो कब पैदा हुआ, तो ऐसे इवेंट्स के बारे में जानने के लिए डेट्स का होना जरूरी है। तो इसलिए हिस्ट्री के अंदर डेट्स बहुत मैटर करती हैं। एट प्रेजेंट हिस्ट्री इज वाइडर कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड्स हाउ एंड व्हाट कॉन्सेप्ट। हिस्ट्री के अंदर आपने ज्यादातर ऑब्जर्व किया होगा कि चीजें, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हाउ एंड व्हाट, ये चीज कैसे हुई और हुआ क्या, क्या हुआ, पहले तो वो इवेंट क्या हुआ और दूसरा क्वेश्चन कि वो कैसे हुआ, हाउ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, व्हाट डिड दे प्रोड्यूस एंड ईट। हाउ, ऑब्जर्व कीजिएगा, हाउ पीपल, पहले के टाइम पे लोग अपने लाइवलीहुड कैसे अर्न किया करते थे। What did they produce? वो क्या produce करते थे? मतलब what? What did they produce? What आया? And eat? वो क्या खाते थे? Etc. ऐसे ही काफी सारे question arise होते हैं जिनके अंदर how and what ही होते हैं। Okay? History is referred to span of time. Okay? We cannot determine history specific date. When British rule was started at it happened over a span of time. क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि dates जरूरी हैं, लेकिन किसी particular चीज के लिए date जरूरी है कि वो राजा किस दिन पैदा हुआ या किस दिन मरा या किस दिन वो बैटल लड़ेगी, तब वो डेट स्पेसिफिकली जरूरी है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हर इवेंट एक ही डेट में हुआ है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल करना किसी एक दिन में शुरू नहीं किया था, तो वो एक स्पैन ऑफ टाइम था कि कुछ सालों के अंदर उन्होंने सबसे पहले बंगाल को कैप्चर किया, फिर धीरे 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 उन्होंने साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट और वेस्टर्न एरिया को कैप्चर किया, तो वो कैप्चर करने में उन्हें स्पैन ऑफ टाइम लगा। तो यहाँ पर डेट वैरी नहीं करती, यहाँ पर वो टाइम पीरियड वैरी करता है कि कितने सालों से लेकर कितने सालों तक उन्होंने कैप्चर किया इंडिया को, और कितने सालों से लेकर कितने सालों तक रूल किया। सिमिलरली, वी डेवलप अ टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शुरू शुरू में हर इंसान को टी पसंद नहीं होगी, लेकिन स्पैन ऑफ टाइम के साथ उसके टेस्ट में चेंज लाया गया। लोगों ने देखा कि अमीर अमीर लोग चाय पीते हैं, तो लोगों ने उनको देखकर पीना शुरू किया, कुछ लोगों को वो टेस्टी लगी होगी इसलिए पीना शुरू किया, लेकिन एक ही दिन के अंदर बहुत सारे लोगों ने उसको पीना शुरू नहीं कर दिया होगा। ओके, सी द एडवर्टीजमेंट ऑन द राइट। जैसे कि आप ये एडवर्टीजमेंट देखिए, लिप्टन टी के बारे में है, ये लिप्टन टी जो होती थी उसमें पहले ऐसे ही एडवर्टीजमेंट होता था, जैसे ये एक रॉयल हॉर्स है और इसके ऊपर एक रॉयल पर्सन बैठा हुआ है जो कि ब्रिटिश कंपनी का ही पर्सन है, और उन्हीं के फोटो से ये एडवर्टीजमेंट बनाया जाता था लिप्टन टी का, एंड कॉफी के बारे में ही था ये। इससे ये शो होता है कि जो राजा महाराजा या बड़े लोग होते थे, रॉयल पीपल होते थे ज्यादातर ब्रिटिशर्स के, वही इस टी या कॉफी को पी सकते थे या फिर ले सकते थे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हैव अ गुड डे।